अब हम चलते हैं तीसरे अध्याय की तरफ, विदुंग ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अगण्य व देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्याभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ हैं। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले हैं, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी बुरे स्वभाव की स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्याभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकल नामक गांव में विदुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुंग वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सह कर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ ही बीत गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विदुंग के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती। पति की मृत्यु के बाद भी अपने धर्म से गिरकर वह पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई, जहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्याभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं, तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चिंता वाली पापिनी को धिक्कार है
मैं निंदा के योग्य हूँ, मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? यह यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे। तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। अगर आप सभी को हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को हमारा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।